गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो है जो साड़ियाँ होती हैं, प्रिंटेड साड़ी होती हैं, उसके अंदर से जो ब्लाउज का पीस निकलता है, तो कई बार हम उनको जो है सिलवाते नहीं है ब्लाउज को, क्योंकि उसके अंदर हम दूसरा ब्लाउज जो है सेट कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो ये ब्लाउज के पीस होते हैं, ये हमारे पास ऐसे ही बेकार पड़े होते हैं और ढेर लग जाता है इनका। तो आप सोचते हैं कि इनका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। आज मैं इसका बहुत ही अमेजिंग आइडिया लेकर के आई हूँ गाइज। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, मैंने एक राइस बैग लिया है और इस राइस बैग को हम इधर से और इधर से कट करके ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखें, ये ओपन हो जाता है यहाँ से। अब हमको क्या करना है, जो साड़ी वाला ब्लाउज पीस है उसको इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा है साइड में से उसको कट करके निकाल देंगे। इसको इस तरीके से फैलाएंगे और इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे। जब आप इसको अटैच करेंगे तो देखिए, इस राइस बैग की सीधी साइड ऊपर है और इसकी जो ये कपड़ा है इसकी सीधी साइड भी ऊपर है, मतलब इसकी उल्टी साइड नीचे है इस तरीके से, तो इसकी भी नीचे है उल्टी साइड। अब इस तरीके से हम जो है इसको सील कर अटैच कर लेंगे इसके साथ में। अब देखिए, हमने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा ली है और इसको पलट लेंगे और देखिए इधर से इसको इस तरीके से हम जो है सिलाई से अटैच कर लेंगे। इधर से मैंने कर लिया है तो इधर से भी कर लेंगे। अब जो है देखिए, मैंने एक चैन ली है और इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और सीधी साइड ऊपर करते हुए हमको जो है इधर रखनी है इसके नीचे यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब दूसरी साइड देखिए इस तरीके से इसको सेट करेंगे। तो गाइस देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पर चैन को सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस पट्टी को मतलब इस पीस को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर किनोर की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा के जो है इस चैन को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हमको जो है इसी तरीके से अटैच करना है। चैन को सीधी साइड ऊपर रखना है, इसकी भी सीधी साइड ऊपर है, क्योंकि हमने जो है इसमें देखिए फिनिशिंग पहले से कर ली है, ये कन्नी फोल्ड करके, तो इसमें फिनिशिंग हो गई है, धागे कहीं से नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से जो है हम चैन को अटैच करेंगे। तो गाइज देखिए, अब मैंने दोनों साइड इसमें चैन अटैच कर ली है और देखिए इसमें मैंने डबल सिलाई लगा दी है, अच्छे से जो अटैच हो गई है इससे। अब हमको क्या करना है, इसको इस साइड से ऐसे पलट लेना है इसको, और दोनों साइड से हमको रनर डालना है इसके अंदर। रनर डालते टाइम देखिए हमको क्या करना है, यहां से इस तरीके से तार निकाल लेंगे चेन का खींच के, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से। और अब जो है इस तार के अंदर हम रनर को डालेंगे और दूसरी साइड भी इस तार को हम इस रनर के अंदर डाल देंगे। ये तो आप देख सकते हो इजीली ये रनर इसके अंदर जो है डल जाता है। और दूसरा रनर हमको दूसरी साइड से डालना है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, ये जो चैन है इसके चैन के सेंटर से यहां से हमको 6.5 इंच पे इस तरीके से इसको पकड़ के ये फोल्ड करेंगे। और जितना यहां पर है, यानी कि ये यहां से मैंने 6.5 इंच लिया है, तो यहां से भी 6.5 इंच ही होना चाहिए इस तरीके से। और अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर सिलाई लगाएंगे एक तो, और एक सिलाई हमको यहां पर लगानी है। तो मैंने इसके ऊपर दोनों साइड सिलाइयां लगा ली हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, यहां पर ये 5.5 इंच है, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से ये सिलाई छोड़कर फिर हमको यहां पर 5.5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे यहां से एक बार।
अब हमको क्या करना है, यही पीस रखते जाएंगे इस तरीके से, देखिए सिलाई से सिलाई मिला देंगे यहाँ पर और कट करते जाएंगे। गाइज ये पीस हमको जो है फेंकने नहीं है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं हमारे, तो एक को साइड में रख देंगे। अब जो है तीसरे को हम इस तरीके से, ये जो सिलाई है ये सिलाई हमको इधर की साइड करनी है, सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे और फिर इसको हम कट करते जाएंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और कपड़ा साथ में पकड़ेंगे यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और सेम तरीके से हमको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, और इसी तरीके से हमको तीसरे कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देनी है यहाँ पर, और इसी तरीके से चौथे कॉर्नर पर हम सिलाई लगा देंगे, और फिर पाइपिंग से हम इसको फिनिशिंग भी देंगे साथ के साथ में। तो एक बार मैं सिलाई लगा के फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने पाइपिंग से फिनिशिंग भी कर ली है चारों कॉर्नर के ऊपर। अब जो है हम इसकी चेन को ओपन करेंगे और इसको जो है सीधा करेंगे, सीधा करते टाइम हम किनोर को अच्छे से बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से एक बार चेन को ओपन कर लेते हैं। इसको एक बार हम साइड में रखेंगे और देखिए ये जो दो पीस हैं इनको हम लेंगे इस तरीके से, ओपन कर लेंगे यहाँ से साइड से। और इस पीस को इस तरीके से यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और इधर से भी फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से हमको दो स्ट्रिप जो है वो तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई 6 इंच की रखी है। और इसको अटैच करने का जो तरीका है वो ये है, ऊपर से इस ज्वाइंट से हमको नीचे की तरफ लेना है 4 इंच, और फिर सेंटर से सेंटर मिला के जो है हमको इधर से देखिए 1/2 इंच अंदर ऐसे दबाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और 1/2 इंच इधर से दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों स्ट्रिप ऐसे ही हमको जो है यहाँ पर अटैच कर लेनी है। तो आप देख सकते हो ये इसका फाइनल लुक है। एक स्ट्रिप मैंने इधर लगाई है पकड़ने के लिए और एक मैंने इधर लगाई है। इसको इस तरीके से पकड़कर आप कहीं भी रख सकते हो, बहुत ही आसान है इसको कैरी करना। और इसमें मैंने 2 रनर डाले हैं इस तरीके से ओपन करने के लिए। और इसके अंदर गाइस मैंने 30 जोड़ी से ज्यादा कपड़े जो है वो स्टोर करके रखे हैं इस तरीके से। आप अगर साड़ी डाल रहे हो तो आपकी 35 साड़ियां आराम से इसके अंदर आ जाएंगी, इतना बड़ा साइज इसका बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसका फाइनल मेजर करके दिखा देती हूँ कि ये कितना बना है। तो ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो है 17.5 इंच की, और यहां से जो लंबाई है वो 10.5 इंच की, और साइड में से 12.5 इंच। तो ये इसका फाइनल मेजर है, काफी बड़ी साइज में ये बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप भी अपने वेस्ट पड़े ब्लाउज पीस का यूज कर सकते हो और बना सकते हो अलग अलग साइज के स्टोरेज बैग। काफी बड़ी साइज में बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ एक ब्लाउज का पीस हमने इसमें यूज किया है, आपने देखा, और एक राइस बैग हमने यूज किया है, और कितनी बड़ी साइज में जो है हमारा ऑर्गेनाइजर बन गया है। इस तरीके से आप अपनी साड़ी, अपनी कुर्ती, अपने जो भी बच्चों के कपड़े, कुछ भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ब्लैंकेट वगैरह भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। काफी अच्छी साइज में बनकर तैयार हुआ है और देखिए कितना प्यारा लुक आया आपके सामने गाइस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।